ओम शांति दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसे चार सिंपल सी बातें बताऊंगा जिनको अगर हमने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया तो जीवन हमें कभी भी संघर्ष नहीं महसूस होगा। हर परिस्थिति का सामना हम डट कर करेंगे और यही नहीं, ना केवल अपने जीवन में हम सफलता को प्राप्त करेंगे लेकिन लोगों के आगे भी उनके मार्ग को हम प्रशस्त करेंगे, उनके जीवन को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। केवल ये चार बातों को हमें दोस्तों सीखना है। और सीखना किससे है जानते हैं आप दोस्तों? ये सीखना है हमें एक छोटी सी पेंसिल से। एक बच्चा भी ऐसे ही परेशान रहता था और अपने अध्यापक के पास गया रोते हुए कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि मेरा लाइफ जो है बहुत संघर्ष की तरह है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लोग मुझे कभी कभी कुछ कह जाते हैं। तो उस अध्यापक ने एक पेंसिल निकाली और पेंसिल निकाल कर बोला कि बेटा तुम्हारा जीवन और इस पेंसिल में ज्यादा फर्क नहीं है। तो बच्चे ने कहा कैसे? तो दोस्तों अध्यापक ने कहा कि देखो बेटा, इस पेंसिल की एक खासियत है कि ये जहां पर भी चलेगी ये अपना एक निशान जरूर छोड़कर जाएगी। इट विल ऑलवेज लीव अ ब्यूटीफुल इंप्रेशन वेयर एवर इट रन्स। तो बच्चे ने कहा बिल्कुल ठीक बोलते। अध्यापक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बेटा जिंदगी में कभी कभी इसको कसा जाएगा, इसको छीला जाएगा, इसको उस वक्त बहुत दर्द और कष्ट का सामना होगा, लेकिन ध्यान रखना जब भी उस कष्ट और दर्द से बाहर निकलेगी तो इसकी लिखावट, इसका इंप्रेशन और भी सुंदर होगा और भी पावरफुल होगा। तो बच्चे ने कहा अद्भुत, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है यार। तीसरी बात अध्यापक ने अपने उस बच्चे को बोली कि बेटा कभी कभी ये लिखते हुए कुछ गलती भी कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना इस पेंसिल के पीछे एक इरेजर भी लगा होता है जिसके द्वारा उस गलती को वो मिटा सकती है या हल्का कर सकती है या चेंज भी कर सकती है। इसके लिए केवल संयम, धैर्य और क्षमाशील होना बहुत आवश्यक है। तो बच्चे ने कहा कि वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है। और चौथी बात अध्यापक ने आगे बोली कि बेटा ये बाहरी रूप से चाहे कितने भी सुंदर हो, हाउएवर ब्यूटीफुल इट मे बी फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन इसकी लिखावट, इसका इंप्रेशन, इसकी पूरी लाइफ डिपेंड करेगी इसके अंदर छोटे से काले से अनइम्प्रेसिव लेड के ऊपर। यही इसके मार्ग को डिटरमिन करे। तो बच्चे ने कहा ये तो बहुत सुंदर बात है लेकिन इसके मेरे जीवन से क्या लेना देना? तो अध्यापक ने हंसते हुए बोला कि बेटा देखो, तुम्हारे जीवन में भी तुम जब आगे चलते हो, जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, उसके द्वारा ना केवल तुम अपने जीवन में लेकिन लोगों के मन पर भी, उनके जीवन पर भी एक इंप्रेशन छोड़ सकते हो। तुम्हारे मुख के जो शब्द हैं, मन के जो संकल्प हैं, वो लोगों के लिए सुखदायी हों, उनको सुख दे, उनके जीवन के अंदर उनको बहुत बहुत हैप्पीनेस और खुशी दे। तुम्हारे कर्म जो हैं उनको हमेशा सुकून दे। ये तुम्हारे अंदर शक्ति है। तुम्हारे संकल्प, बोल और कर्म लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चे ने कहा ये तो बहुत सुंदर बात बताई, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। टीचर ने आगे कहा कि बेटा कभी कभी तुमसे गलती हो भी जाएगी, कभी कभी तुम किसी को कुछ बोल भी दोगे या कोई तुमको भी कुछ बोल देगा, उस समय अपने मन का इरेजर उस समय यूज करो। अगर तुमसे गलती हुई है तो सॉरी मांग लो, और यदि किसी और से हुई है तो उसे क्षमा करो। लाइफ में अगर ग्रजेस होल्ड करोगे तो ये लिखावट बढ़ती चली जाएगी, डीप होती चली जाएगी और तुम्हारा मन सदा परेशान रहेगा। इसलिए मन के उस इरेजर को जरूर यूज करो। जैसे कहा ये तो बहुत अच्छी बात बताई क्योंकि मैं तो कभी कभी लोगों की बात को मन में रख लेता हूँ। तो टीचर ने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि बेटा जिंदगी में जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें चैलेंजेस आएंगी, तुम्हें डिफिकल्टीज आएंगी, तुम्हें कभी कसा जाएगा, तुम्हें छीला जाएगा, उस समय तुम्हें बहुत दर्द का महसूस होगा, तुम्हें लगेगा मेरी लाइफ में इतने चैलेंजेस और डिफिकल्टीज क्यों है। लेकिन ध्यान रखना इन चैलेंजेस और डिफिकल्टीज से कभी घबराना नहीं, क्योंकि जब भी तुम्हारी लाइफ में चैलेंजेस और डिफिकल्टीज आएंगे तुम उन चैलेंजेस और डिफिकल्टी से बाहर निकलते हुए अपने आप को और शक्तिशाली महसूस करोगे। यू विल इमर्ज मोर विक्टोरियस एंड पावरफुल। ये तुमको गिराने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। बच्चा बहुत खुश हुआ और टीचर ने आखिरी बात बोली कि बेटा बाहरी रूप से तुम सुंदर हो, काले हो, गोरे हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे मूल्य कैसे हैं, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारे संकल्प कैसे हैं, तुम्हारी संस्कृति कैसी है बच्चे, यही तुम्हारे जीवन को डिटरमिन करेगा। लोग बाहरी रूप से कुछ समय तो आकर्षित हो सकते हैं लेकिन ध्यान रखना लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तुम्हारे मूल्य, तुम्हारा व्यवहार ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों बच्चे ने कहा कि टीचर आज के बाद मैं अपनी लाइफ को सदा के लिए बदल डालूंगा।
दोस्तों कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये हमारी लाइफ की भी समरी है? सब कुछ हमारे जीवन में हमको मिलता है लेकिन फिर भी हम कंप्लेन करते रहते हैं। भाई चैलेंजेस आते हैं, आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। खुश रहिए, उन चैलेंजेस को स्वीकार करके उनका सामना करिए। दोस्तों कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए उसको सुकून दीजिए, उसको प्यार दीजिए। आपके पास इतनी शक्ति है कि आप अपने मन के संकल्पों के द्वारा, अपने बोल और कर्मों के द्वारा उसके ऊपर एक अमिट छाप छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों क्षमा मांगना और क्षमा करना सीखिए, यही हमारे मन का एक इरेजर है दोस्तों। और दोस्तों मन को सुंदर परमात्मिक गुणों से, खुशी से, प्यार से, पवित्रता से, आनंद से, सुकून से हमेशा डेकोरेट करिए, यही हमारे जीवन का दोस्तों सत्य है। अगर इन चार मंत्रों को हमने अपने जीवन में फॉलो कर लिया तो कभी भी हमें लाइफ जो है दोस्तों वो चैलेंज नहीं लगेगी, वो हमें हमेशा एक वंडरफुल जर्नी लगेगी और ऐसे ही हमको आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों देखा, छोटी छोटी बातें भी हमें कितना कभी कभी सिखा जाती हैं। अगर ऐसे ही कुछ प्रश्न, कुछ बातें आपके मन में है तो हमें लिख कर भेजिए। इन बातों को हम इन छोटे एपिसोड्स के द्वारा, टॉक्स दैट ट्रांसफॉर्म 3T सीरीज, हम आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। शुक्रिया, ओम शांति।